अमृति ये शांत हो जा, ना इतना गुस्सा कर। शांत हो जावा? शांत किवें हो जावा वीर जी? ये कोई बुरा सपना नहीं सी जिन्हों मैं भुल जावा। अज भी वो सारे जख्म हरे ने, अज भी वो टीस मेरे दिल में उठदी है। जदों मैं उस पार तो इस पार आई, उस पार की हर चीज मैनू उस चंद्रे बटवारे की याद दवाउंदी, फिर वही बटवारा याद आउंदा। सरीना इस सच मेरे सामने रहेगी, मैनू फिर वो यादा आउंदियां रहणगियां। उस पार का कुछ भी, इत्थों तक कि उस मुल्क का नाम भी मेरे दिल में हौल पाउंदा। जरीना मेरे सामने रहेगी तो मेरे हर जख्म नु ताजा करती रहेगी। इस कुड़ी नु मैं कदे नहीं आना सकता। जरीना चलो इत्थों, शुएब जी चलो। नहीं चलती है? नहीं मैं इंज नहीं होन देंगा, मैं वो इतिहास दोबारा नहीं दोहरा देवांगा। मेरे ते इरमा दे बारी तां साडे नाल कोई नहीं खड़ा सी, मैं अमन ते उहदे सच्चे प्यार नूं विछड़न नहीं देवांगा। जिन्हां रिश्तियां दी शुरुआत इन्नी कड़वाहट नाल होवे, ओह रिश्ते कदे टिक नहीं पांदे, उन्हां दा कोई भविख नहीं है मेरी बच्ची। अप्पू जान बस बहुत हो गया, आ तेरे अगे बन्ने दो हाथ इत्थों चली जा, ते मुड़ के इत्थे आउण बारे कदे सोची भी ना। तेरा इस टब्बर नाल कोई रिश्ता नहीं। सिर्फ तुसां दी खुशी करके असां इत्थे आए सां, पर जो इत्थे हो रहा है ओह असां दी समझ तों परे है। इह सब सानूं कुछ सही नहीं लग रहा तुसां लई। तुसां परेशान ना हो चाचा जान, बटवारे दा दर्द अजे कई लोकां दे ज़हन दे विच जिंदा है। हो सकदा अमन दे अम्मी जान भी इसे दुख दे विचों गुजर रहे होण। ओह अमन दे उस पार चले जाण ते भी बहुत नाराज़ सन, ते उही गुस्सा अज सब दे सामने आ गया। तुसां फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं हुण होर नहीं, चलो इत्थों, असां तुसां दी खुशी खातर इत्थे आए सां, पर तुसां नूं इत्थे जलील किया जा रहा। एक गल याद रखो मेरी बच्ची, वो अमन दे अम्मी जान ने, जे उन्हां ने तुसां नूं पूरी इज्जत नाल ना अपनाया तुसां लई अग्गे दा सफर बहुत औखा हो जावे। जे हालात इहो जे रहे तो सानू इस घर च वो जगह कदे नसीब नहीं होवेगी। अप्पू जान तुसां इतमी ना रखो चाचा जान, शायद अमन दे अम्मी जान लई ये सब संभालना इन्ना आसान नहीं सी। अमन दा निकाह तो चले जाना, जरीना नाल वापस आना, ना मैं सब समझने लिए थोड़ा वक्त चाहिए। खुदा दा वास्ता तुसा आराम करो, तुसा लिए इन्ना गुस्सा करना जायज नहीं है, तुसा नूं इत्मीनान ना सोचना पएगा। पर असां अपनी बच्ची नूं उस घर च जाण दी इजाजत नहीं दे सकते जिस घर च उसकी इज्जत और उसकी कदर ना हो, उसनूं प्यार ही ना मिले। अमन दे अम्मी जान दा दुख तकलीफ असां चंगी तरह समझ रहे हैं, पर असां ये भी समझ रहे हैं कि वो एक जगह आके खलो गए हैं,
उस तो अगे वध ही नहीं रहे। वो इस वक्त नहीं चाहते कि अमन ते जरीना अपनी जिंदगी का सफर खुशी खुशी पूरा कर। किवें असां दी धी उस घर च रहेगी जब अमन की माँ की नज़रों विचों काबिल इंसान ही नहीं है। नसीब जी, मैं अमृत वालों तुहाडे अगे हथ जोड़ के माफ़ी मंगता हाँ। सानू माफ़ कर दिओ, असीं इस लई बहुत शर्मिंदा हाँ। तुसां सानू क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? तुसां वड्डे बुजुर्ग हो, असानू इलम है कि अमन की अम्मी जान नाल जो होया बहुत बुरा होया। उन्हां दे जख्म हजे भी हरे ने, पर सट तो उस पार दे लोकां दे दिलां विच भी है, टीस तो उस पार भी है। पर इस वक्त असां बच्चों की खुशी नूं अहमियत दे रहे हैं, असानू कोशिश तो करनी चाहिए है। पर तुसां इह गल दसो, जे जरीना तुसां दी धी हुंदी, तुसां इहो जिहे घर च उसनूं छड्ड के चले जांदे जिथे उसनूं कोई इज्जत कोई आदर सम्मान ना मिले? एहो जे नफरत परे माहौल च तुसा छड़ के चले जांदे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुसी सही कह रहे हो, एक प्यो होने के नाते तुसा पूरा पूरा हक आ अपने बच्चे का भला सोचन का ते फैसला लैन का। मैं सब समझ रहा हाँ कि अमृत इस वेले पूरी तरह गलत आ, ते मैं पूरा विश्वास भी है कि साढ़े बच्चे जरूर एक होणगे। मैं उन्होंने प्यार में मिटन नहीं देंगा, पर मैं ये गल चंगी तरह जानता हाँ कि जे सामने अमन होंदा तो मैं अपनी धी में जरूर उत्थे छड़ जांदा, क्योंकि मैं अमन से पूरा पूरा भरोसा है। तो तुसी भी अमन से भरोसा करके ही इतों तक आए। जरीना चल मेरे नाल, बेबे नाल गल कर दे। बेबे तैनूं पहला भी बहुत पसंद करते सी, प्यार करते सी। जे आपां उन्हां नाल आमणे सामने गल करांगे तो गल बन जाएगी। मेरी बेबे दिल दी बहुत नरम है, असीं जाके गल करांगे तां उह मिंटां च पिघल जांगे। चल तुसी सारे जने सुन लो, जिनी देर प्रीतो इत्थे आ मेरे घर विच रहेगी। मजा प्यार दा शक लवांगे, जे तेरा हुक्म होवे तेरी डोली भी चक लवांगे। प्रीतो अमन उस पार गया, जरीना नू लैन। बेबे मैं जरीना नू बहुत ज्यादा प्यार कर, मैं उस तो बिना जी नहीं सकता। मैनूं पता है तुसी सारयां नूं बहुत प्यार करदे हो,
तुहाडे दिल विच सारे लई प्यार ही प्यार है, तुहाडा दिल ते ममता नाल भरिया होया। जदों ज़रीना पिछली बारी इत्थे आई सी तुसीं पावां वांग उसदा ध्यान रखिया सी। मैनूं पता तुसीं वी ज़रीना नूं बहुत पसंद करदे सी। असा मानते कि असा अपनी असलियत असा तो लुको के रखी सी। तुसा ते एक मां तो भी बद के असा दा ख्याल रखिया सा। असा दी अम्मी जान तो बचपन च ही गुजर गए सा। असल मां दा प्यार ते असानू तुसा दे कोल आके मिलिया। जे तुसा सानू माफ कर दे ना तो असा पूरी कोशिश करांगे कि असा कदे भी तुसा दा दिल ना दुखाई। असा तुसा नाल एक मां ते एक धी दा रिश्ता बनाउणा चाहुंदे आ। ना ते तू मेरी धी है ते ना ही मैं तेरी मां बनांगी। चल बेबे 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 दफा हो जा मेरे घरों। तू मेरे घर दी नूं कदे नहीं बन सकदी। मेरा ये फैसला कदे नहीं बदलना। मेरे जीउंदे जी तू इस घर च नहीं रह सकदी। दफा हो इत्थों। बेबे तू चिंता ना कर। पर हुण की होएगा? बेबे तां मन ही नहीं रहे। अप्पू जान असा अमन नूं बहुत प्यार करते। असा नूं पता है कि असा अमन नाल ही खुश रह पावांगे। अप्पू जान इस वक्त अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है भरोसा। तुसा बस असा ते यकीन रखो सब ठीक हो जाएगा। बस कुछ वक्त दी गल। नसीब साहब तुसी अज बाहर वाले कमरे विच ना आराम करो। कल लोहड़ी है ते कल तक मामला ठंडा हो ही जाएगा। ते नाले कोई सोच विचार करके ना कोई इस मसले का हल जरूर कढ लवांगे। तुसा सही कह रहे हो। शायद असा सारे नूं कुछ वक्त चाहिए। अमन दी अम्मी जान लई अज दा दिन बहुत मुश्किल सी। किन्ना कुछ अचानक हो गया। थोड़ा आराम करनगे तां सब ठीक हो जाएगा। असा कल गल करदे आ। हाँ शायद तुसा सही कह रहे हो। मेरे ते भरोसा रखो मैं सब ठीक कर दिया। मैं अज तक हर जंग जीती है ये जंग भी जीत लवांगा। बस मैंने तुहाडा आशीर्वाद चाहिए। अमन सही कह रहा है। मैं सब ठीक कर देंगा। तुम साढ़े भरोसा रखो। मैनू अमन भी पूरा भरोसा है ते तुसी भी इसे भरोसे दे नाल ही इत्थों तक चल के आए। अमृत नूं असीं समझा लवांगे। वो मन जाएगी।
नासिर जी तुसी भी अज बड़े परेशान हो गए हो, तुसी आराम कर लो। मैनू लगता है कि सानू सारयां नू ठंडे दिमाग नाल सोच विचार के ही गल करनी चाहीदी है। अज तुसी आराम करो, कल लोहड़ी दा त्यौहार है ते लोहड़ी दे त्यौहार दी साडे सारयां विच बड़ी वड्डी अहमियत है। कल नू मिल के ना कोई हल जरूर कढ लवांगे। बच्चों की खुशी देखते हुए ना बड़ी सोच विचार तो आप सारे फैसले लवेंगे। उन्हों की खुशी के साड़ी सारे की खुशी होनी चाहिए है। अज जो भी होया ना वो असं घर तो हाथ जोड़ के दोबारा माफ़ी मांगते हैं। तुसी किसी भी गल का बुरा ना मनना, सब वधिया ही हो जाएगा। कल लोहड़ी तो थोड़ी अडीक रहेगी, तुम जरूर आना। सुरजन पुत्र जा बाहर वाले कमरे के मंजे बिस्तरे लगा दे। प्रौहणे की सेवा में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जा मेरा पुत्र। हाँ जी, तुसी बिल्कुल चिंता ना करो, मैं सब इंतजाम कर देंगा। आ जाओ। ठीक है पुत्र। ताया जी हुण की होएगा, बेबे तो बिल्कुल भी मनने को तैयार नहीं है ते वो दुखी भी बहुत ने। मैं बेबे का दिल नहीं दुखाना चाहता। मैं जरीना तो उसके अबू जान को इतने तक तो लै आया, पर मैं बेबे को किवें मनवाव। तू चिंता ना कर पुत्रा, मैं तो इलमा नूं इस बार नहीं लिया सकिया, पर मैं तेरे नाल इंज नहीं होण देंगा। जरीना साडे इस घर की नौ जरूर बनेगी। जो मैं अपने लिए नहीं कर सकिया ना, वो मैं तेरे लिए जरूर कर दूंगा पुत्रा, जरूर कर सकूंगा। पानी पियो। अबू जाना सानू माफ कर दियो। सानू माफ कर दियो अबू जान, सानू नहीं पता सी कि इत्थे आके सब कुछ हो जाएगा। तो सानू असां दे घर इन्नी जिल्लत सहनी पड़ी। अबू जान गलती असां दी है, गुनहगार असां आ। इस सब कुछ असां दी वजह नाल ही होया। तो सादे असली गुनेगार दासा अबू जान, गलती ऐसा दी है ना ती है। तो सादे कोई गलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो सा रो क्यों रहे हो, चुप कर मेरी थी। तो सादा दिल ते पाके तो साने ते अपने वल्लो बिल्कुल सही किता सी। असा अपनी मर्जी नाल इत्थे आए हैं, जो कुछ भी होया उस च असा दा कोई कसूर नहीं है ते तुसांदी भी कोई गलती नहीं है। वो तो अमन दे अम्मी जान अपने पुराने जख्म भुला नहीं पा रहे, वो अपने बीते हुए कल नूं अमन दे भविख नाल जोड़ रहे ने। अल्लाह पाक उन्हां ते सबर बख्शे, नहीं तो एक कड़वाहट उन्हां दी सारी जिंदगी तबाह कर देगी। नफरत का बोझा ढोना बहुत औखा होंदा है धीए, सबर रख जरीना। अमृत ये जरा रुक, मैनू पता है तीए कि तू इस वेले बड़ी गुस्से में आ, तेरे अंदर ना बड़ा दर्द भरिया होया। पर जरा इस गल नूं ध्यान नाल सोच पुत्र, कि मैं बचपन तो ही तेनू पालिया पोसिया जवान किया ते तेनू अपनी धी बना के रखिया। मैं तो पुत्र ये सोच भी नहीं सकता कि तू किसी नूं इन्नी नफरत भी करेंगी।
तू इदां दी नहीं आती है कि तू किसी नूं नफरत नहीं कर सके। बेबे 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 ताया जी, बेबे किद्दा मन्नेगी ताया जी? तू चिंता ना कर पुत्र, परमात्मा सब ठीक कर देगा, सही वक्त आउंदे दे।